सपा से गठबंधन को लेकर बड़े से आतंक चल रही है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था। सपा से गठबंधन को लेकर बड़ी सियासत हुई है। आपको बता दें कि तारीख का अंतिम दिन प्रगतिशील ही है। आज समाजवादी पार्टी लोहिया करना चाहती थी सपा से गठबंधन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया करना चाहती थी सपा से गठबंधन। वही सपा से गठबंधन को लेकर बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। अब शिवपाल सिंह यादव ने दिया था आज भर का समय। आपको बता दें कि दी हुई तारीख का आज है अंतिम दिन। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गठबंधन करना चाहती थी सपा से। सपा से गठबंधन को लेकर बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। अब शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था, यानी कि दी हुई तारीख का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था, वहीं दी हुई तारीख का आज अंतिम दिन है। इस पर अब सियासी माहौल चल रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया करना चाहती थी सपा से गठबंधन। सपा से गठबंधन को लेकर बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। दी हुई तारीख का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था गठबंधन करने का, लेकिन सपा से गठबंधन को लेकर अब बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दी हुई तारीख का आज अंतिम दिन है और इस पर अभी गठबंधन नहीं हुआ है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी लोहिया करना चाहती थी सपा से गठबंधन, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का अंतिम समय दिया था, लेकिन आज अंतिम दिन है। दी हुई तारीख का अंतिम दिन है। सपा से गठबंधन को लेकर बड़ी सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था, लेकिन वहीं अब आज दी हुई तारीख का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, जिस पर सियासी माहौल अभी गरमाया हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया सपा से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था, यानी कि आज अंतिम दिन है गठबंधन करने का, जो कि शिवपाल सिंह ने आज भर का समय दिया था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप से जानना चाहेंगे, संदीप पूरी जानकारी क्या है, जिस तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, पूरी अपडेट क्या है संदीप? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार पार्टियां जो है अपनी अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हर तरीके से प्रयास करती नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं समाजवादी लोहिया की पार्टी की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है सपा के साथ में गठबंधन करना चाहती थी, अखिलेश यादव से मिलना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव को जो अल्टीमेटम दिया गया था वो 11 तारीख तक दिया गया था। तो अब आज के 11 तारीख है, आज 11 तारीख तक अगर बातचीत नहीं बनती है तो निश्चित तौर पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, वो निश्चित तौर पर मथुरा से अपनी जनसभा रैली निकालने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने हामी भर ली है। और अगर गठबंधन होता है, दोनों पार्टियों का विलय होता है एक दूसरे पार्टी में, तो निश्चित तौर पर 2000 आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ रणनीतियां कुछ नई नजर सामने आने को देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार शिवपाल यादव जो है अखिलेश यादव के टच में थे, बातचीत कर रहे थे कि चीजों को लेकर के कि आखिरकार फैसला हो जाए और हम दोनों का गठबंधन एक साथ हो जाए, और उसको लेकर के लगातार वो प्रयासरत रहे थे। लेकिन
हालांकि ये कुलदेवता मामला दिख नहीं रहा है, इस वजह से जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे मथुरा से अपनी जनसभा रैली को संबोधित करते हुए निकलती नजर आएगी। जी संदीप, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि आज भर का समय दिया गया था शिवपाल सिंह यादव द्वारा, आज भर का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जो है उनकी तरफ से कोई भी अभी सामने कोई गठबंधन की अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव से लगातार जो है टच में थे शिवपाल यादव और वो पार्टी में जुड़ना चाह रहे थे, पार्टी के साथ मिल रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी से अलग हुए थे उसके बाद उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई थी और इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ करके 2022 के चुनाव को आगाज करना चाह रहे थे, लेकिन बातचीत चर्चा में नहीं बनी और बातचीत नहीं हो पाई, शायद यही वजह है कि अब जो है शिवपाल को अपने पूरे 403 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को उतारना पड़ेगा और उतार करके उनको आगामी चुनाव के लिए तैयारी पूरी मजबूत करनी होगी। जी संदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि सपा से गठबंधन को लेकर बड़ी सियासत अभी बनी हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने आज भर का समय दिया था लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है, गठबंधन की कोई अभी ऐसी खबरें सामने नहीं आई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं।